सब्सक्राइब करें ऑल बर्ड्स ब्रीडिंग एंड केयर टिप्स चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी वीडियोस आपको मिलें सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जावेद इकबाल और आज हम काशिफ भाई के पास आए हैं। ये अपने तोतों को फीड करवा रहे हैं और हम इनसे पूछेंगे कि ये फीड किस तरह से करवाते हैं। चलें जी काशिफ। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी सर, बताए ठीक ठाक आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाई ठीक हूं। जी सर बताइएगा कि आप किस तरह से फीड करवा रहे हैं? ये राह के बच्चे हैं, पहाड़ी जिनको बोलते हैं आप लोग, ठीक है जी। जी ये पिन में है, पिनों में है। ये देखिए आप माशाल्लाह से हेल्दी हैं, कवर्ड हैं। तो इनको मैं आपको ये तरीका बताता हूँ कि आप इनको फीड दें जिससे जो है ना ये तंदुरुस्त भी रहेंगे और इनके फीड की मादा बढ़ता है लेने का, ठीक हो गया। हम लोग ऐसे करते हैं कि एक एक पीस को देते हैं, फुल फीड देते हैं। मैं ये कहता हूँ आप एक एक चीज़ को फुल फीड ना दें, आप सारों को अलग अलग से दें। इसी तरीके से इनकी जो माँ होती है वो भी सेपरेट सेपरेट तरीके से देती है, वो सारों को अलग अलग से देती है। जैसे देखिए अब मैंने ये लिया ना, ये फीड बनाई है, ये देखिए आप ये फ्रिज में भर ली। उसके बाद ये मैंने एक को शुरू किया, आप गौर से देखिए आप, ये मैं एक को फीड दे रहा हूँ। ये देने के बाद मैंने इसको निकाल ली बाहर, ठीक है। अब ये मैं दे रहा हूँ दूसरे को फीड, तकरीबन 2 CC दूंगा मैं, उसके बाद इसको निकाल लूँगा। फिर अब ये दूंगा मैं तीसरे को फीड। मैं ये पूरी सीरीज कभी भी एक को नहीं दूंगा, तो इस वजह से कि ताकि इनमें भूख की और फीड ज़्यादा लेने की तमाम बढ़े। जितनी ज़्यादा आप इनको सुकून से देंगे फीड, वो जब तक पिछला हज़म भी कर लेगा, और दूसरा ये है कि आगे वालों को बच्चों को सबको यकसा फीड मिल जाएगी, ठीक हो गया जी। चलें तो इसके अलावा हमें ये बताएं कि इनकी एज क्या है? ये है जी तकरीबन, ये देखें आप, ये जो बड़ा पीस है ना, ये तकरीबन है जी 30 दिन का, 25 से 30 दिन का। ये जो पिनों में है, इसको पिन कवर बोलते हैं, ये तकरीबन 18 से 19-20 दिन के पीस है ये। सही, क्योंकि इसमें मिक्स है कि कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं भैया। और इनकी फीड जो है ये आप क्या खिला रहे हैं? हाँ इनकी फीड है केटी होती है एक, ठीक हो गया। अच्छा एक सीटा किंट होती है, वो है सीटा होती है। अच्छा दूसरा ये है कि मैं खुद भी तैयार कर लेता हूँ अपनी फीड भी ना, सही। तो वो भी माशाल्लाह से उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा। मतलब आप खुद घर में तैयार करते? हाँ जी घर में तैयार करता हूँ मैं। तो मैं उनको देता हूँ डबल फीड, हाफ अपने घर की तैयार कर देता हूँ, हाफ जो है ना बाजार से लेकर देता हूँ। इसमें तो दो फायदे हैं, एक तो रेट्स का फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है, और दूसरा ये है कि क्वालिटी भी अच्छी होती है। जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, जो बनाता हूँ तैयार करता हूँ मैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसके खुराक को तैयार करने का तरीका भी बताऊँगा, ठीक हो गया जी। आप लाइक किया करें हमारे जावेद भाई को, माशाल्लाह बड़ी मेहनत करते हैं वो, और आप ये देख लें ये आप लोगों की खातिर ही वो जो है ना हमारे पास भी आते हैं और जगह भी विज़िट करते हैं, ठीक हो गया भाई जान।